तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज हम बनाने वाले हैं कलरफुल केक, जिसमें मैं उसका कलर डालूंगी पिंक कलर का केक। तो चले हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिहीट करेंगे अपने पैन को, उसके अंदर हम डाल देंगे कोई ड्रिंक या कोई भी स्टैंड रख के इसको रिहीट करेंगे। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आप ले लेंगे मैदा, चीनी और बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एसेंस, इन सबको डाल के अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। इन सब की क्वांटिटी मैंने पहले मेंशन कर दी है, बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा वरना वो अच्छा बनेगा नहीं। इन सबको आप अच्छे से मिक्स करें ताकि चीनी जितनी भी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे इंग्रेडिएंट्स आप इनको एक दफ़ा छान लें ताकि हर चीज़ मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें मिला दूँ रेड फूड कलर, जो कि बन जाएगा पिंक। ठीक है, मैं डाला है रेड फूड कलर, अब इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके मिल्क डालते रहेंगे, ग्रेजुअल आराम आराम से थोड़ा थोड़ा डालेंगे मिल्क। और मिल्क की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको आपका बैटर पर डिपेंड करता है कि आपका बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी है। देख सकते हैं आप, मैं आराम आराम से इसको मिला के ग्रेजुअली मिला रही हूँ। आप इसको कट स्पोर्ट मेथड में भी मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें आप डालेंगे ऑयल और अच्छे से मिक्स करें, और सबसे आगे में डालेंगे आप विनीगर। और विनीगर डालने के बाद आप इसको ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, वरना सबका रिएक्शन हो जाएगा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और विनीगर का रिएक्शन हो जाएगा, तो आपका केक खराब हो सकता है। उसके बाद हम अपने पैन को ग्रीस करेंगे अच्छे से, देन हम अपने सारे इंग्रीडियंट को इसके अंदर पैन में डालकर पैन को प्रीहीट करने के लिए 30 to 45 मिनट तक मिले। 30 मिनट से पहले आपने खोलना नहीं है, वरना सारी हीट बाहर हो जाएगी और वो ठंडा हो सकता है। तो अब इसमें मैं अच्छे से काट कर रही हूँ और जो हम प्री हीट करने के लिए रख देंगे। देख सकते हैं मेरा केक ज़बरदस्त सा बन के पिंक कलर का तैयार हो चुका है। मैं इस पर थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी।